ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਪੋ ਕੇ ਏਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਕੋ ਅਬ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿਆ ਹੈ। ये अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन सा रूट इसने अडॉप्ट किया, कहां से क्रॉस हुई है, लेकिन डेफिनेटली ये पाकिस्तान से क्रॉस हुई है और इसने बताया है कि पाकिस्तानी स्मगलर्स के साथ ही इनकी डील। ये केपी में है कि आगे भी कुछ इसके आगे है। ये उनका बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है और इसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान से मिलती थी कि किसको कहाँ दे के आनी है, तो इसलिए ये इस पूरे नेटवर्क का बहुत इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में कोई एजेंसी इन्वॉल्व है? अरे जो स्मगलर्स का नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है, उनके साथ ये एसोसिएटेड है। आईएसआई की कुछ इन्वॉल्वमेंट है? कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि उनको आईएसआई की हमेशा सपोर्ट रही है, जो पुराना हिस्ट्री बता रही है, रिकॉर्ड रहा। तो ये एसटीएफ की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, एसटीएफ की पंजाब की ये बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी है। सेब की पेटी बनाई हुई थी, उसके नीचे रखे ऊपर सेब रखे हुए थे। हाँ, पहले भी इसने निकाला, अभी तक इसने बताया कि 6-7 किलो पहले भी लेके आया है, लेकिन वो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं अभी। कोई एफआईआर कोई इसके पहले भी? नहीं, पहले पकड़ी नहीं गई, जो क्रॉस की हुई है इसने, और लेकिन इसके भाई के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है और उसके भाई और उसके साथियों से 17 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। शायद ये अभी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं रिकॉर्ड, और 1-1.5 साल पहले की बात है। वो भी अंदर है? वो अंदर है। वो अमृतसर का ही होगी? अमृतसर का ही।